देखिए, अभी मैं ये कह सकता हूँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने क्या किया है, मैं उसमें हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और उड़ीसा वालों की अभी बैठक नहीं हुई है, तो अभी वहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कितनी सीट तय की है, कितनी नहीं की है, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का ही कोई व्यक्ति बता सकता है। अलायंस के बारे में चर्चा हो रहा है, मेरी जानकारी में कोई अलायंस किसी स्तर पर नहीं है चर्चा, ना मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हुई है और नेताओं से भी बात हुई है, प्रदेश में भी कोई चर्चा मेरी जानकारी में नहीं। इस नैरेटिव को कौन बढ़ा रहा है, आगे कौन बढ़ा रहा है? बीजेडी वाले बढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना शुरू से कि हमारी सरकार यहाँ उड़ीसा में भी हम बहुमत से आएंगे और केंद्र में भी हमारे 16 से ज्यादा सांसद बनेंगे, तो हम तो शुरू से ही इसी बात को कह रहे हैं। 80 से अधिक MLA हमारे जीतने जा रहे हैं और 16 से अधिक सांसद जीतने जा रहे हैं। कोई अलायंस नहीं हो रहा है मेरी जानकारी में, अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं है। आप किससे बात किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शुरू में बात किया था, यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहके गए थे, आप लोग थे उसमें, यहाँ भी कहके गए कि मतलब अनाउंस नहीं होगा लेकिन ओवरसीट जैसे कि सीट मैनेजमेंट होगा। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ नहीं। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।